बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं और शतान आप देख रहे हैं इजी जॉब्स पीके। आपको जो एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहा है, ये जो है पाक नेवी में जॉब्स आ चुकी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जॉब्स आ चुकी है, बहुत सारे जॉब्स है। और इसका जो लास्ट डेट है और अप्लाई करने का तरीका है और क्या क्या रैंक के जॉब्स है, तो इसके बारे में इस वीडियो में आप कंप्लीट जानेंगे। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर लाजम क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की नई नई जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मंसूर होते रहे और बर वक्त अप्लाई करते रहे। इसमें जो पाक नेवी में जॉब्स आ चुकी है, इसके जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई से 2 अगस्त 2020 तक इसके अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट भी इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन वेबसाइट भी किया जा सकता है, www.johnpaknavy.gov.pk पे की जा सकती है। और इसमें जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब्स है वो LTPN है, LTCR है, PN है, LTCDR है, PN है, तो इस तरह ये LTCDR, LTD, सब LTD, LTD, CDR, LTD, 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 तो इसका ये जॉब्स है। और इसके जो एक्सपीरियंस है इधर लिखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसका जो अप्लाई करने का तरीका है बहुत आसान तरीका है। तो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, आप गूगल पे आने के बाद आप लिखेंगे जॉन पाक नेवी, एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस शो होगा। तो ये जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है जॉन पाक नेवी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस शो होगा। ये आप देख रजिस्ट्रेशन स्लिप, जिसने पहले अप्लाई की वो रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और आप जो पहली बार अप्लाई कर रहा है तो वो ये इधर पे क्लिक करेंगे। तो इधर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह मेन्यू ओपन होगा। ये पहले नंबर पर आप देख रहे हैं ब्रांच, आप कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर ये देख रहे सब LTD बी मैकेनिकल, ये देख रहे आप जो कौन सी वाली में अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सर्विस कैंडिडेट से, या ये ऊपर आपके सामने जो नज़र आ रही है उसकी जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसकी जो वो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो इधर आपको शो कर देंगे। तो इधर अपना नीचे अपने सारा डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आप लास्ट पे आएंगे तो इधर सबमिट करेंगे और आपको एक फॉर्म प्रिंट की शक्ल में देगा। तो आप उसको प्रिंट करके अपने साथ पे रखेंगे और आपको 72 घंटे बाद आपको ये डेट टेस्ट डेट का जो है वो बताएंगे। तो 72 घंटे के बाद आप वो टेस्ट के लिए आपको टेस्ट अनाउंस्ड जो टेस्ट की तारीख होगा वो आपको अनाउंस कर देगा। तो यही मालूमात इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की नई जॉब की वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अभी इस वक्त इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।